Subscribe to Hello Wiki. And press bell icon to get latest video notifications. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेलो विकी। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। नाम है इनका जूही चावला। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेड पर्सनालिटी जूही चावला। जूही चावला का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ। ये सन 1984 की मिस इंडिया टाइटल की विजेता रहे। उसके बाद मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट सन 1984 में हुआ, उसमें इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, जूही बहुत ही ज़बरदस्त डांसर रही। 3 साल कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने कथक सीखा। जूही चावला की फिल्म जर्नी तब शुरू हुई 1984 में फिल्म सल्तनत के साथ, जिसमें शशि कपूर साहब के बेटे इनके साथ हीरो से नज़र आए थे। इसके बाद जूही चावला पहुंच गए प्रेम लोक फिल्म करने के लिए। प्रेम लोक फिल्म एक कन्नड़ा क्लासिक फिल्म है, और फिल्म जिस फिल्म आई उसने हमें दिया एक रोमांटिक पेयर। फिल्म थी खयामत से खयामत तक। आमिर खान भी इस फिल्म से शुरुआत कर रहे थे और जूही चावला भी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन हुआ गया था। 90 के दशक बड़े ही उतार चढ़ाव रहा जूही चावला के लाइफ के लिए। उसके बाद गोविंदा और राजेश खन्ना फिल्म स्वर्ग में भी ये नज़र आई, और यही थी फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में एक मिडिल क्लास लड़की का किरदार निभाया, एक नॉन ग्लैमरस का अवतार अपना लिया। सो 1994 जूही चावला के लिए खास साल रहा। आए ना हम हेरा ही प्यार के, दर्द और लुटेरे, इन्हीं फिल्म के साथ जूही चावला टॉप स्पॉट में पहुंच गई। फिल्म डर के अंदर जूही चावला डर और रोमांस शाहरुख खान के साथ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निभाए। शाहरुख खान और सनी देओल के साथ एक एक्शन हीरो और एक रोमांटिक हीरो, इन दोनों के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस कर दी। सन 2014 में जूही चावला नजर आई माधुरी दीक्षित के साथ। इनके बीच कभी बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ हाय हेलो ज़रूर हुआ करता था। ये दोनों नजर आए फिल्म गुलाब गैंग में, और इनके फैंस बहुत ही खुश भी हुए। 2010 तक आते आते जूही चावला टेलीविज़न पे ही नज़र आने लगी, क्योंकि एक अभिनेत्रा शाहरुख खान के साथ भी बहुत घनिष्ठ है। इनकी दिलचस्पी क्रिकेट में भी हुई, और ये शाहरुख खान के साथ ये को ओनर बनी कोलकाता की नाइट राइडर्स की। जूही चावला की रियल लाइफ के बारे में हमें नज़र डालें, ये पता चलता है कि उनकी विवाह एक बिजनेसमैन जय मेहता से हुआ। सन 2001 में इनकी बेटी चांदनी का जन्म हुआ, और सन 2003 में इनका बेटा अर्जुन पैदा हुआ। जूही चावला के नाम भारतीय इतिहास में हमेशा गर्व से लिया जाता है।